सफाई वाली आंटी? आंटी? हाँ बेटा। आंटी वो क्या है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है। हमारे घर की काम वाली ना काफ़ी टाइम से आ नहीं रही है, तो आप हमारे घर की सफाई कर दोगे और खाना बना दोगे क्या? वरना घर का खाना खाए भी बहुत टाइम हो गया। आपके जितने पैसे बनते हैं मैं आपको दे दूंगा। आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं कोई काम वाली नहीं हूँ। देखो आंटी मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हो, आप यहाँ पे भी तो सफाई कर ही रहे हो ना, तो अगर मेरे घर में कर दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लीज़ कर दो ना। क्यों बेटा? वो क्या है ना, मैं इस शहर में काम के सिलसिले से आया था और मुझे घर का कोई काम करना भी नहीं आता, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ कर दीजिए। क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ नहीं रहते हैं? नहीं आंटी, वो लोग तो गाँव में रहते हैं और आपको तो पता ही है जब साथ में पेरेंट्स ना हो तो कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है, और जब इंसान अपने पेरेंट्स के साथ रहता है ना तो राजा बन के रहता है, उनके जाने के बाद ही उनकी कदर पता चलती है। आंटी प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप कर दीजिए ना, मैं आपको पूरे पैसे दे दूँगा आपके। खाना बनाना है ना बेटा? कोई बात नहीं, मैं बना दूँगी। क्या सच में? कितने रुपये बनते आपके बताइए, मैं दे दूँगा आपको। अरे पैसों की बात छोड़ो, तुम बस ये बताओ कि तुम्हारी किचन कहाँ है। बस यहीं अंदर ही है। चलो बना देती हूँ। ठीक है बेटा, मैंने सारा काम कर दिया है और खाना भी बना दिया है, आप खा लेना, मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच आंटी, आपने मेरी इतनी मदद करी। कोई बात नहीं बेटा, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अरे एक मिनट आंटी, ये लीजिए 500 रुपये, आपने मेरी मदद करी ना। 500 रुपये? अरे बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो, ये सब मैंने पैसों के लिए थोड़ी किया है। अरे आंटी जी आप सफाई का काम करते हो, वो भी तो पैसों के लिए करते हो ना, आप ये पैसे रख लो, मुझे अच्छा लगेगा। अरे आप गलत समझ रहे हो बेटा। आंटी मुझे पता है आप ये सब मुझसे सिर्फ इसलिए बोल रहे हो ताकि आप मुझसे पैसे ना लो, आप प्लीज रख लीजिए इनको। अरे मैंने कहा ना मुझे पैसे नहीं चाहिए। अरे संदीप भाई कैसे हो? अरे नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। आंटी जी यहाँ कैसे? अरे यार देखियो आंटी ने मेरे घर पर सफाई करी और मैं इनको पैसे दे रहा हूँ तो ये पैसे भी नहीं ले रही है। तेरे को पता है ये आंटी बहुत अच्छी है, मैंने इनको एक बार में बोला इन्होंने मेरे घर की सफाई कर दी और खाना भी बना दिया। अरे तू पागल है क्या, ये तेरे घर की सफाई करेंगी, तू जानता नहीं ये कौन है? अरे भाई कौन होंगी, इस सोसाइटी की सफाई वाली है, इसलिए तो मैंने घर पे बुला के इनसे सफाई करवाई है। अरे भाई तू पागल हो गया क्या, हमारी बिल्डिंग के प्रेसिडेंट हैं और इस सोसाइटी में सबसे अमीर, तूने इनसे सफाई करवाई है? आंटी आई एम रियली सॉरी, मेरे को नहीं पता था कि आप इतने पैसे वाले हो और मैंने आपसे घर पे बुला के सफाई करवा ली, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा इतने अमीर होने के बाद भी आपने ये सब क्यों किया? दरअसल बेटा जब तुमने मुझे बताया ना कि तुम्हारे माँ बाप साथ नहीं रहते तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, बस इसीलिए मैं खाना बनाने आ गई। और बेटा मैंने सोचा अगर मैं थोड़ा सा तुम्हारा काम कर दूँगी तो मैं थक थोड़ी जाऊँगी, तुम भी तो मेरे बेटे जैसे हो। वो क्या है ना बेटा, मेरा बेटा भी ना मेरे साथ नहीं रहता, वो ना आउट ऑफ इंडिया रहता है, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे आज मैंने तुम्हारी मदद करी तो हो सकता है बाहर मेरा बेटा भी किसी से मदद करवाता हो और कोई उसकी मदद कर देता हो। यही सब सोचकर ना मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी, और अगर तुम्हें भी कभी मौका मिले ना तो तुम भी ज़रूर किसी की हेल्प करना। सच में आंटी जी आप पैसे से ही नहीं दिल से भी अमीर हो, आज के टाइम पे जहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता आपने मेरी इतनी हेल्प करी वो भी बिना किसी लालसा के, सच में आंटी आप बहुत अच्छी हो। और लोग कहते हैं ना कि माँ तो माँ होती है, सच में माँ सच में बहुत अच्छी होती है। थैंक यू सो मच आंटी जी जो आपने मेरी मदद करी। कोई बात नहीं बेटा, तुम भी मुझे माँ ही समझो, और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे ज़रूर बोलना। हाँ आंटी जरूर। अच्छा बेटे अब मैं चलती हूँ, मुझे कोई काम है। अच्छा ठीक है, नमस्ते आंटी जी। चल भाई आंटी जी ने खाना बनाया बहुत टेस्टी, चल के खाते हैं।